बहुत पहले अंग्रेजी दवाइयां नहीं हुआ करती थी, इसीलिए लोग बीमारी में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक भी हो जाते थे। पहली बात तो उस टाइम के लोग बीमार ही कम पड़ते थे, उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हुआ करता था। लेकिन आज का टाइम बहुत अलग है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अनुमान है 2026 तक इंडिया में इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट का मार्केट $347 मिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब लोग सिर्फ दवाइयों और सप्लीमेंट्स तक रह जाएंगे। सोचिए जड़ी बूटियों में कितनी ताकत होती थी कि लगे हुए बाण को भी ठीक कर देते थे। आज ना तो उस टाइप की जड़ी बूटियां रही और ना ही शुद्ध चीजें मिलती है। अगर आप अच्छा खाना खाएं और टाइम से खाएं तो इम्यूनिटी आपकी सही रहेगी। आप खाने में खट्टे फल जैसे कि संतरा, नींबू, अंगूर ले सकते हैं, शिमला मिर्च, ब्रोकली, लहसुन, अदरक, पालक, दही, बादाम, सूरजमुखी के बीज, हल्दी, ग्रीन टी, पपीता, कीवी, पॉलिट्री, शेलफिश और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ इम्यूनिटी के लिए ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी रेगुलर योगा एक्सरसाइज करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनसे ये नहीं हो पाता। कुछ के पास टाइम नहीं हो पाता अपना ख्याल रखने का, तो कुछ लोग आलसी भी होते हैं। इसलिए कुछ कंपनीज ने जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके कुछ शुद्ध प्रोडक्ट्स बनाने का दावा किया है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट पतंजलि च्यवनप्राश के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ये कितनी असरदार है, इसे कब तक लेना चाहिए और सबसे जरूरी इसे लेने का सही तरीका क्या है। इससे पहले इन्फो हब चैनल को सब्सक्राइब करें और अब आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.infohub4.com से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो ये है पतंजलि च्यवनप्राश। इसकी पैकिंग कुछ ऐसी है और इस 500 ग्राम डब्बे की कीमत ₹145 है। आप इसे पतंजलि स्टोर, केमिस्ट शॉप या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसके अंदर आंवला, घृत, गोखरू, बेल, पिपली, हरड, गिलोई, पुनर्नवा, अश्वगंधा और भी कई चीज़ें मिली हुई है और इन्हीं चीज़ों के मिश्रण से ये इतनी इफ़ेक्टिव है। पहले अक्सर इसे बीमारी होने पे यूज़ किया जाता था और ज़्यादातर इसे वृद्ध लोग ही लेते थे, पर इसे कोई भी ले सकता है और कभी भी ले सकता है। इसे खाने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ इसे खांसी में भी यूज़ किया जा सकता है, अस्थमा पेशेंट भी ले सकते हैं और जिन लोगों को कमजोरी होती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये तो हम जानेंगे ही, उससे पहले जानते हैं कि इसमें क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए अगर इसका यूज़ करते हैं तो। सबसे पहले इसे खाने के तुरंत बाद या पहले अल्कोहल का सेवन ना करें। इसे डायबिटिक पेशेंट यूज़ ना करें क्योंकि इसके अंदर शुगर है। डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग से आता है जो कि शुगर फ्री होता है। एक बार खुलने के बाद 90 दिन के अंदर इसे ख़त्म कर दें। डायरेक्ट धूप लगने से बचाएं और हमेशा ठंडे जगह पर स्टोर करें। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। आप इसका 1 से 2 चम्मच सुबह और शाम, मतलब दिन में 2 बार गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। आप इसे जब तक चाहें तब तक खा सकते हैं। अब इस डब्बे के साथ एक हनी का छोटा सा पैक भी फ्री में आ रहा है, तो जब भी इसे खरीदें ये फ्री वाला पैक लेना ना भूलें। तो ये था पतंजलि च्यवनप्राश के बारे में सब कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और बने रहें इन्फो आपके साथ अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए।